हेलो फ्रेंड्स, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है और बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाती है। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप इसको बच्चे के टिफ़िन में दीजिए और इसको जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो ये आप खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही मज़े का ये बनके तैयार होता है। और आज मैं आपको ये बना के दिखाऊंगी कि हमारा जो पोहा है वो चिपचिपा ना बनके बिल्कुल खिला खिला बनेगा। देख रहे हैं कितना खिला खिला और कितना टेस्टी लग रहा है। तो ये बहुत ही आसान होता है बनाना और आप भी इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वीडियो की आप लास्ट तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगी कि हमारा खिला खिला पोहा कैसे बनेगा और इसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म चाय के साथ। जी हाँ, अगर कुल्हड़ वाली चाय हो और पोहा हो तो बिल्कुल हमारे ठेले वाले की याद दिला देता है ना। तो ये आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा पोहा। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पोहा लिया है और मैं इसको पूरी तरह से धोऊंगी नहीं, बस इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इसमें करी पत्ता डालूंगी। करी पत्ता हमें सबसे पहले डालना है ताकि जो इसकी खुशबू है, जो इसका फ्लेवर है, वो बहुत ही अच्छे से हमारे पूरे पोहे में आ जाए। तो अब मैं इसमें यहाँ पे मैंने एक गिलास पानी लिया है और इसको मैं 2 से 3 बैच में इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालूंगी। थोड़ा थोड़ा सा इसको डालना है ताकि जो हमारा पोहा है वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। पानी हम इसमें इतना ही डालेंगे ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ज़्यादा पानी डालने से ये एकदम से चिपचिपा बनता है जो हमें टेस्टी भी नहीं लगता। तो हम इसमें पानी सिर्फ इतना ही डालेंगे 2 से 3 बैच में थोड़ा थोड़ा करके और फिर हम इसको छोड़ देंगे फूलने के लिए और फिर इसको नीचे से अच्छे से हम हाथ में इस तरह से चलाएंगे ताकि ये नीचे तक मिक्स हो जाए। तो ये आपने देखा मैंने इसको 2 बार अच्छे से डाल दिया है और बस इसको फिर मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम यहाँ पे अपने ये देख लेते हैं, मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं और हरी मिर्च डालेंगे हम 3 से 4 और बस यहाँ पे मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है। तो एक बार हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि ये बहुत ड्राई हो चुका है और इसमें मैं पानी थोड़ा सा और डाल रही हूँ। तो ये लीजिए, ये भी मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो 250 ग्राम पोहे में मैंने यहाँ पे पूरा 1 गिलास पानी लिया था और ये देखिए इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है ताकि पानी जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो फाइनली यहाँ पे पूरा 1 गिलास पानी इसमें लग चुका है और इसमें हमें और पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। जी हाँ, हम ये सारे मसाले इसमें अभी ही डालेंगे और 1/3 यानी कि बहुत ही कम हम इसमें डालेंगे हल्दी ताकि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। पोहा तो आपने 1000 बार बनाया होगा लेकिन आज मेरे तरीके से आप पोहा बनाइए, आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब मैंने इसमें 1 चम्मच सौंफ डाली है और 2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी, जो नॉर्मल चम्मच होती है मैंने वो इसमें 2 डाली है। और बस अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे जब तक हम बाकी का काम करेंगे। तो ये हमें पहले अच्छे से मिला लेना है ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिल जाएं। तो बस अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। गैस ऑन करके हम कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम ऑयल चढ़ाएंगे। पोहे बनाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी और अब हम इसमें ऑयल रखेंगे। और अब मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच मूँगफली डाली है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे तब तक कि इसका थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। ये मूंगफली कच्ची होती है इसलिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे भून लिया है और इसका अच्छे से हम कलर चेंज हो जाने देंगे। जब हमारी मूंगफली अच्छे से भून जाएगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इसको निकाल लेंगे। अगर आपको मूंगफली का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मुझे पोहे में मूंगफली बहुत पसंद है। तो बस अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच राई यानी कि 1 टीस्पून राई और इसमें हमने जो बारीक काटे थे ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अब वो मैं इसमें प्याज डालूंगी और प्याज में यहाँ पे थोड़ी सी बचा लूँगी बाद में ऊपर से इसमें डाल के खाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से टमाटर भी बचा लिए हैं, आप चाहें तो अभी इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं लेकिन काफ़ी बच्चों को हरी मिर्च का टेस्ट पसंद नहीं होता तो हम इसको ऊपर से भी डाल सकते हैं जब हम खाएँ तो सर्व करने के लिए। अब इसमें मैंने बिल्कुल हल्की सी हल्दी डाली है, बिल्कुल
माइनर, और अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। इसमें टमाटर भी डाल के आप पहले से बना लीजिए ना, तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो बस हमको टमाटर और प्याज को अच्छे से पकने देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला था, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि नमक हम कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ पोहा। तो यहाँ पे हमने सारा पोहा डाल लिया है। अब जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल लो रहेगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाया हुआ जो पोहा होता है वो हमेशा खिला खिला और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और ना ही गैस की जो फ्लेम है वो हम मीडियम करेंगे। जितना लो फ्लेम पे आप पोहा बनाएंगे उतना ही खिला खिला और टेस्टी हमारा पोहा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने गैस की जो फ्लेम है वो लो कर ली है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद फाइनली जो हमारा पोहा है, देखिए इस तरीके से बन चुका है। इसको एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 नींबू। नींबू का रस निकाल लिया है और इसमें डाल देंगे हम, और गैस बंद करके इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारा ये पोहा बनके तैयार हुआ है। तो बस नींबू और हरे धनिया की अच्छे से स्मेल आ जाए इसलिए हम इसको ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 1 मिनट बाद बिल्कुल तैयार है हमारा पोहा खाने के लिए। तो बस सर्विंग प्लेट लेंगे और उसमें अपना ये गर्मा गर्म पोहा हम सर्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना खिला खिला पोहा बना है। तो बस आप भी इसी प्रोसीजर से एक बार बना के देखिए, आपका भी पोहा बहुत टेस्टी बनेगा अगर आप बिगनर हैं तब भी। और ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा मूंगफलियाँ डाल रही हूँ, और अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो आप ऊपर से इसमें हरी मिर्च डाल लीजिए, और ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाल लेंगे हम, और बारीक कटा हुआ जो हमने टमाटर के पीस रखे थे वो भी हम इसमें डाल लेंगे। और फाइनली इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे नमकीन की भुजिया। जो भी आपको नमकीन पसंद है आप इसके ऊपर से डाल सकते हैं, जो इसका टेस्ट है वो और उसका 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हमारा पोहा तैयार है। देख रहे हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। वाकई में ये वाला जो पोहा है बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और पोहे का असली स्वाद तो चाय के साथ है। तो लीजिए गर्मा गर्म हमारी चाय भी तैयार है। आप इसको एक बार इस तरह से बना के देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो लीजिए तैयार है हमारा गर्मा गर्म खिला खिला पोहा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अपने ब्यूटीफुल हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो देख रहे हैं गर्मा गर्म हमारा पोहा तैयार है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।